लाल की जय। गीता का 44वां श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अब भगवान ने इसको एक साधारण चार प्रकार के लोग बताए, आर्थ अर्थार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु। अब जब अपने सर अपने जीवन में जब आपके ऊपर बहुत संकट आते हैं तब जाकर परमात्मा को आप पुकारते हो। एक व्यक्ति वो है जब अर्थ प्राप्त करना है तब जाकर कुछ पूजा पाठ करता है। तीसरा व्यक्ति ज्ञानी का है जो परमात्मा का मार्ग लेकर उस मार्ग में चलकर आगे बढ़ता है, और जिज्ञासु जिसको खोजने का काम करता है, जिसको साइंटिस्ट कहे। अगर मैं वर्तमान में अगर आपको कहूं तो उसको साइंटिस्ट कहा जाएगा। लेकिन भगवान ने कहा क्या कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम। अब निशाना कही और नजर कही, इसको अगर एक साधारण भगवान ने तो कहा कि जब व्यक्ति अपने मन में भोग ऐश्वर्य रखकर चलता है और भोग ऐश्वर्य रखकर चलने के बाद किया हुआ परमार्थ, ये परमार्थ नहीं है, ये स्वार्थ है, और परमात्मा को भूलकर अपनी वस्तु को प्राप्त करना और ईश्वर को छोड़ देना और भी भोग ऐश्वर्य में लगना। जैसा रामायण में हम लोग अगर पढ़ते हैं इसका सुग्रीव की बात आती है, जब तक सुग्रीव के ऊपर संकट था तब तक तो परमात्मा के सानिध्य में रहा, लेकिन जैसा ऐश्वर्य राज्य प्राप्त हुआ तो 4 महीने परमात्मा के पास मिलने तक नहीं गया और भोग ऐश्वर्य में भूल गया, ये स्वार्थ है। आजकल हम लोग बहुत सुनते हैं, अब ये टोटका करो तो ये हो जाएगा, ये टोना करो तो ये हो जाएगा, ये मंत्र जप करो तो ये प्राप्त हो जाएगा, धन दौलत कैसी मिलेगी आपको, अपने सौंदर्यता कैसा प्राप्त होगा आपको, गड़ा हुआ धन कैसे मिलेगा, आप निरोगी कैसे हो जाओगे, ये सारे के सारी वस्तुओं को ध्यान में रखकर जो भी आप ईश्वरीय कार्य करते हो ये परमार्थ का अंग नहीं है, ये स्वयं के स्वार्थ का अंग बताया। इससे तो कहीं से कहीं दूर तक परमात्मा को प्राप्त करने का क्या ला? आप तो अपने स्वयं के लिए प्राप्त करना है। और मैं एक बात बताऊं, मैं कभी कभी एक दृष्टांत बताता हूं। एक बार नारद जी महाराज भगवान विष्णु के पास गए और विष्णु से कहते हैं कि नाथ देखो ये कुंभ में इन सभी लोगों में लाखों करोड़ों लोग यहां बैठे हुए हैं, आपका स्मरण कर रहे हैं, आप उनसे मिलते क्यों नहीं है? तो नारायण कहते हैं कि नारद इसमें मेरा एक भी भक्त नहीं है। नारद ने कहा ये गलत, आपकी सोच गलत है प्रभु, भले देखो मैं लेकर आता हूं। नारद जी ने कहा कि मैं अब भी महाराज पूरी की पूरी आपके नाम से, वहां तो कुंभ है 1 करोड़ लोग हैं, लेकिन 1 करोड़ लोगों में सार के सब मैं लेकर आऊंगा। तो लेकर आने के लिए जब नारद जी गए पूरे कुंभ में घोषणा कर दी कि नारायण को किसको मिलना है, तो साधु से लेकर साधारण व्यक्ति सभी लोग नारायण से मिलने के लिए निकल पड़े। अब नारायण नारायण का गुणगान करते हुए सब लोग चलते 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 रास्ते में नारद जी कहते कि आज मैं भगवान को झूठा साबित करूंगा। चलते चलते भगवान ने अपनी माया रच दी। माया रचते समय रास्ते में चलते चलते ही जो भोजन के 56 भोगों का जो सुगंध था चारों तरफ फैला गया। अब जो पेटू थे वो कहते भूखे पेट न होए भजन गोपाल है संभाल तेरी कंठी माला, जो पेटू थे वो खाने के लिए निकल गए। जिसको सुगंध कहते क्या भोजन होगा, पहले भोजन करो फिर भगवान का भजन करेंगे। आगे चले चांदी के पहाड़ बना दिए, जो थोड़ी सी वस्तु में जो संतुष्ट होने वाले उसमें से उधर चले गए, जो चांदी से भी प्रभावित न हो वो आगे बढ़ गए। फिर सोने की खदानें दिखी तो सोने से प्रभावित होने वाले कुछ वहां निकल गए। प्लेटिनियम की खदाने आ गई, प्लेटिनियम में चले गए। हीरो की खदान आ गई, हीरो में चले गए। नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हुए नारायण के सामने जाकर उपस्थित हो गए
कहते हैं नारायण देखो आपको मिलने के लिए कितने लोग आ गए। नारायण कहते हैं नारद पीछे मुड़कर देखो तो एक भी व्यक्ति नहीं मिला, ये अवस्था भोग ऐश्वर्य का। भगवान क्या कहते गीता में, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रतचेतसाम। अब हमारी जो भौतिक धरातल है वो कहते हैं ना कि कुत्ते को जब पत्थर मारते हैं तो कुत्ता पत्थर के पीछे भागता है, और शेर को जब पत्थर मारते हैं तो शेर पत्थर मारने वाले के पीछे भागता है। तो जो जो अवस्था की मानसिकता में हम लोग जो देख रहे हैं, आज भोलेनाथ कई लोग कहते हैं कि भाई बिलो पत्र शिवलिंग में चिपका दो तो बिना कुछ करे सब कुछ मिलेगा। अब ये कोई बात है? ये पूर्व प्रारब्ध संचित कर्म के साथ आप जब अपने जीवन में, मैंने कहा प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म, क्रियमान कर्म, उन सभी अवस्था में आपके जीवन में जितना परमात्मा ने पूर्व जन्म का जो संग्रह होगा वो संग्रह से आपको प्राप्त होगा। लेकिन जब आपके मन में एक संसार के प्रति अति स्वार्थ उत्पन्न होने के बाद फिर पूर्ण न होता है तो परमात्मा से भी शिकायत करने वाले लोग मैंने देखे। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमने इतना भगवान का भजन किया और भजन भगवान ने हमको दिया क्या। और एक बात और आपको बताना चाहता हूं, एक मंदिर में एक व्यक्ति जाकर भगवान से कहता है कि भगवान मुझे मकान देना, दुकान देना, घर देना, परिवार देना, पैसा देना, पद देना, सारी चीजें मांगने लगे। एक संत बैठे बैठे हंस रहे, जब मांग कर वो लौट कर आया और संत ने उस व्यक्ति को 25 पैसे दिए, और 25 पैसे देने के बाद कहता है कि सुन 5 किलो घी, 10 किलो शक्कर, 10 किलो आटा, 4 किलो गुड़, सारा घी, सारा वर्णन करते हुए वो महाराज के वो संतों को देखकर 25 पैसे वो आदमी कहता है महाराज आप पागल हो गए हो क्या, 25 पैसे में 10 किलो घी, 10 किलो शक्कर, 5 किलो तेल ये कैसे आ सकता है। तो ये कहता अरे मूर्ख, एक माला में घरदार मकान दुकान परमात्मा कैसे देगा, या एक बिलो पत्र में परमात्मा सब कुछ देगा आपको। जीवन में ध्यान रखना, ये परमात्मा की बात तो छोड़ दो, आप अपने घर के अंदर भी जब स्वार्थ उत्पन्न होता है तो बाप बेटा, पुत्र पति पत्नी, इनके भी तलाक हो गए, ये भी अपने आप छोड़कर चले गए। कबीर दास जी ने एक भजन लिखा है, सगा भाई को बुरा बोले साले को सम्मान, माँ बाप तो भीख मांगे ससुरे को जमखान। आगे कबीरदास जी कहते हैं कि सब पैसे के भाई, अपना साथी कोई नहीं, पैसा माता पैसा पिता, पैसा भ्राता पैसा सखा, सब के सब आपके जीवन में आपको प्रणाम करने वाला कोई नहीं है। आपके पास पद पैसा प्रतिष्ठा हो तो पैसा, ये कबीरदास जी का दोहा है, पैसा तेरे तीन नाम, परसा परशु परसराम। आज आप लोग उदाहरण बताऊं, जो बड़े बड़े नेता होकर गए, अपने पद से नीचे उतर गए, उनकी अवस्था देखना क्या हो गई। कोई पूछने वाला नहीं है, और जिनके पास पद है पैसा है उनके आगे पीछे घूमने वालों की कमी भी नहीं है। तपन जी भाई साहब बैठे हैं, हमने एक नेता को देखा था जब एक पद से हट गए, एक दिन पहले उसके घर में हजारों की भीड़ थी, एक दिन बाद में जब उसका पद परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होने के बाद दूसरे आदमी को बनाया, वो की वही भीड़ दूसरे के घर में हमने देखी, उसके घर में एक भी व्यक्ति मिलने वाला नहीं था। इसलिए श्रोताओं, जीवन में परमार्थ अगर करना है या किसी भी रिश्तों को चलाना है तो देखो, जिस तरह से दूध में, कितना भी बड़ा दूध हो, दूध में थोड़ा सा भी नमक डालता है तो दूध फट जाता है, इसी तरह से जीवन में कोई भी जब स्वार्थ उत्पन्न होगा उस स्वार्थ में वो कोई भी व्यक्ति परमार्थ नहीं हो सकता है, वो रिश्ते लंबे नहीं चलते हैं, वो रिश्ते तुरंत समाप्त हो जाते हैं। और मेरे गुरुदेव कहते थे किसी को अगर अपने से दूर करना है उसके औकात के हिसाब से उसको पैसा दे दो, वो अपने आप दूर हो जाएगा, उसको दूर करने की जरूरत नहीं है। इसलिए श्रोताओं, भगवान क्या कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम। ये अपने आपके चित्त में कोई भी, चाहे मैं चाहता हूं आपके
बाप बेटे के बीच में अगर पैसे का स्वार्थ उत्पन्न होगा तो दोनों बाप बेटे झगड़ने लगेंगे, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में कोई भी स्वार्थ, ईश्वर को तो छोड़ दो, लेकिन अगर रिश्ते निभाना है तो आपको निष्काम होकर चलना पड़ेगा। उसके सारे अपराधों को स्वीकार करने की क्षमता आपके अंदर आनी चाहिए। ये मैं अध्यात्म की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी जो जिसको कहते हैं कि थ्योरिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल गीता की बातें आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि आप समझ सके गीता को क्या गीता है। वो भारत में वेद शास्त्र पुराण परमार्थ स्वर्ग मोक्ष वैकुंठ परमात्मा के चरण, वो हमको बात बहुत लंबा विषय है, वो हमारा विषय भी नहीं। मैं आपको समझाना भी चाहूं तो आप समझ नहीं सकते हो श्रोताओं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर उस परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपके इर्द गिर्द के जो परमात्मा रूपी अंश है उनको ध्यान रखने की जरूरत है। और उसमें अगर आप अपने आप को अगर परमात्मा, आप अपने अंदर धोखा, जिसको धोखा देना वो लोगों का स्वभाव है। कहते हैं ना कि कस्य माता कस्य पिता कस्य भार्या सहोदरा अर्थ काले न संबंधा, सभी के जो रिश्ते हैं, बाबा तुलसीदास भी कहते हैं कि स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति ये सुर नर जन की रीति। कहते हैं कि रावण राम का जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध में श्रोता हो कभी भी हम लोग, मुझे रामायण में कभी कभी इंद्र के ऊपर भी एक बड़ी बात लगती है कि समाज में समझ में आता है। जो एक शरभंग नाम के ऋषि थे, शरभंग से जब इंद्र मिलने के लिए आए तो भगवान राम भी वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद भगवान राम, जबकि शरभंग ऋषि ने इंद्र से कहा था कि रघुनाथ आए हुए हैं, आप उनसे मिल लीजिए, इंद्र ने कहा नहीं मैं अभी नहीं मरूंगा, अभी नहीं मिलूंगा, भगवान राम से तब मिलूंगा जब ये रावण को मारेंगे। कितना धूर्त, कितना स्वार्थ और कितना भय। अगर उसको ये पता था कि अगर मैं अभी राम से मिलूंगा तो हो सकता है कि रावण मुझे अपने पद से उच्चित कर दे, इतना धूर्त था। जबकि पता था कि ये भगवान राम है, साक्षात राम है, जिनकी प्रशंसा सत्यवरम सत्यपरम त्रि सत्यम च नियतम त्रि जहां वर्णन किया है, जिन्होंने अयोध्या में ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवता इंद्र चंद्र सूर्य अयोध्या में जाकर जहां जिन्होंने प्रणाम किया, आज वो ही समय कैसा व्यक्ति को परिवर्तन कर देता है। इसलिए महाराज समय को परिवर्तन होने में देर नहीं लगती है, लेकिन शास्त्र भगवान क्या कहता है कि अपने परिवार के साथ में समाज के साथ में अगर आपने आर्थिक मानसिकता का अगर स्वार्थ की मानसिकता के साथ कोई भी रिश्ता अगर जोड़कर चलोगे वो लंबा नहीं चलेगा, और जहां निष्कामता के साथ अगर कोई भी रिश्ता लेकर चलोगे तो बहुत लंबा चलोगे। एकमेक से शिकायत नहीं है, जब आपके अंदर स्वार्थ उत्पन्न होता है तो एकमेक की कमियां दिखने लगती है, जब आप निस्वार्थ रहोगे तो हमेशा एकमेक की अच्छाइयां दिखने लगेगी, ये शास्त्र कहता है। भगवान ने ये कहा कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रत चेतसाम, अर्जुन इन सभी अवस्था में जब हम लोग अपने जीवन में काम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते, वो व्यक्ति कभी भी जब व्यापारिक बुद्धि हो जाए, हर एक रिश्ते में आप व्यापार भाव से जब देखोगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कहीं पे भी मिलोगे तो समझना कि वो रिश्ता लंबा नहीं है, वहां आपकी दृढ़ता नहीं है, वहां आपका विश्वास नहीं है, वहां आपका स्वार्थ है। और विश्वास, मुझे एक रामायण की ही बात याद आती, क्योंकि थोड़ा इस श्लोक को मुझे बड़ा अच्छा लगता है, गीता का ये 44वां जो श्लोक है श्रोता हो, इसको थोड़ा विस्तार करना चाहता हूं मैं। भगवान राम का, हनुमान जी का एक बात बड़ी अच्छी लगती है मुझे। जब हनुमान जी एक जगह पे बैठकर सियाराम 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 करते हुए गा रहे थे तो नारद जी महाराज भगवान विष्णु से मिलने गए। भगवान विष्णु से मिलने के बाद देखते हैं कि भगवान पूजा कर रहे हैं और सभी फोटो के सामने अगरबत्ती लगा रहे हैं। तो ना भगवान जब अगरबत्ती लगाकर सबको प्रणाम करते हुए देख रहे
तो जिन नारद जी ने खिड़की से देखा तो पहला फोटो ही नारद जी का था, और जितने भी बड़े बड़े संत थे उनको सबको भगवान विष्णु प्रणाम कर रहे। तो भगवान ने नारद जी से आकर नारद जी से कहा, नारद जी अंदर आओ, जाकर देख तो सारे बड़े बड़े संतों के फोटो लगे हुए हैं, लेकिन हनुमान जी का फोटो नहीं है। नारद जी वापस हनुमान जी के पास आए, कहते कि हनुमान तुम राम को कितना मानते हो? तो उन्होंने कहा कि राम तो मेरे प्राण है, और राम के लिए जो प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है उसके अलावा मेरे जीवन में कुछ उनके अलावा कोई काम ही नहीं है। तो नारद जी ने उनसे कहा कि हनुमान आज मुझे बड़ा दुख हुआ। बोले क्यों? बोले मैं भगवान विष्णु के दरबार गया, दरबार जाने के बाद सारे संतों के फोटो है, तुम्हारा फोटो ही नहीं है। हनुमान जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। हनुमान जी कहते कि नारद मुझे मेरा दायित्व क्या है मुझे समझ में आता है, मेरे रघुनाथ का दायित्व क्या उनको समझ में आना है, उनको मुझे कहाँ रखना है वो मेरा विषय नहीं है, मेरा विषय तो खाली राम नाम जपना है, उनके चरणों में रखे या उनके माथे पे रखे या पूजा घर में रखे या कहाँ रखना है वो उनका विषय नहीं है, लेकिन मेरी आस्था में कोई कमी नहीं आना चाहिए। ये जब निष्कांत आ जाएगी, देखो रामायण में कई बात हम लोग देखते हैं, परमात्मा मिलने के बाद भी व्यक्ति वापिस पुनरअपि स्वार्थ में आया। कहते कि अब कई प्रकार के भागवतों में वर्णन आता है, मैं उदाहरण देकर सुनाना चाहता हूं। प्रहलाद को परमात्मा मिले राज्य प्राप्त कर लिया, ध्रुव को परमात्मा मिले स्वभाव अटल अटल पद प्राप्त किया, जिसको कहते हैं कि महाराज हम अहिल्या को परमात्मा को मिले पति लोग चले गए, द्वाजा गुहक हो केवट हो बड़े बड़े ऋषि मूर्षि मुनि हो, और यहां तक कि महाराज देखो सुग्रीव को परमात्मा मिले वो किष्किंधा के काल राजा बने, विभीषण को परमात्मा मिले वो लंका के राजा बने, लेकिन महाराज रावण को परमात्मा मिले तो परम धाम पहुंच गए, और मेरे हनुमान को परमात्मा मिले तो दोनों ही पद ब्रह्मांड के सारे पदों को गौण करते हुए परमात्मा के दोनों चरण पकड़कर प्राप्त करना, ये निष्कामता है। जब आपके रिश्तों में इतनी अवस्था आ जाएगी, मैं परमार्थ की बात नहीं कर रहा श्रोताओं, मैं तो आपके जीवन की हर एक बात, अगर आपको अपने रिश्तों को शांति से जीना है, किसी से शिकायत नहीं करना है, किसी की कमियां नहीं देखना है, तो मेरी बात सुनना, आपने अपने निकट के लोगों को कभी भी किसी के पास कोई स्वार्थ बुद्धि के साथ में मत चलना। जहां स्वार्थ आएगा वह अनर्थ निश्चित है, सत्यता कह रहा हूं मैं आपको। जितने भी आज महाभारत का काल देखे, आज अगर वर्णन हम लोग घर घर की कहानी अगर सुनते हैं, बहुत कम ऐसे सुखी होंगे जहां अपने परिवार में माता पिता बहू बेटी सास बहू भाई बहन भाई भाई ये आपस में शांति के साथ रहते होंगे। घर में जाने के बाद पता लगता है कि घर में कैसा महाभारत चल रहा है, दूसरों के महाभारत में तो बहुत आपके जीवन में, लेकिन आपके जीवन में जो महाभारत चल रहा है उस महाभारत को अगर समाप्त करना है तो आपके मस्तिष्क में से स्वार्थ निकाल दो। मेरा काम क्या है? भगवान क्या कहते हैं कि भोग ऐश्वर्य, मैं स्वर्ग कोई भी कामना लेकर किया हुआ काम ये आपके जीवन में दुख ही देगा। इसलिए भगवान क्या कहते हैं कि व्यवसाय का बुद्धि समाधोनो विधीयते। अर्जुन ये कभी भी आपके जीवन में सुख शांति समाधान प्राप्त नहीं कर सकती है, वो आपके जीवन में हरेक क्षण विनाश कर देगा। मेरा दायित्व क्या है? गाड़ी का हरेक पार्ट का दायित्व क्या है? पार्ट ये नहीं कहता है कि मुझे पार्ट तुम्हारा, आप पार्ट अगर सोचे कि ये मेरे अलावा ये गाड़ी चल ही नहीं सकती है, उस पार्ट को देखना खराब हुआ कि निकाल के फेंक दिया दूसरा लगा देते, यही हमारी अवस्था है। आपके बिना कोई जग चले न चले, आपके बिना कोई रुका नहीं टिका नहीं किसी प्रकार से, आप अपने बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है और उसको लगता है कि मेरे बिना बैलगाड़ी चलती नहीं, जब ऊपर से लट पड़ते तब समझ में आता है यार खींचने वाला तो कोई और ही है। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा कि हरेक क्षण अपने जीवन में किसी भी प्रकार की निष्कामता के साथ रिश्ते, चाहे ईश्वर का मार्ग हो या परिवार का मार्ग हो, समाज का मार्ग हो, गुरु का मार्ग हो, जो परमार्थ का मार्ग हो, और किसी भी प्रकार का मार्ग अगर आप लेकर चलते हो उस कार्य में
निष्कामता रखना, जिसको कहते हैं कि हमने कर दिया किसी प्रकार से हुआ। बहुत ज्यादा हम अपने आप को धार्मिक बताने के लिए बड़े बड़े मंदिरों में बोर्ड लगा देते कि मैंने ये कर दिया, ये कोई जरूरत नहीं है। वो हमको समाज, अरे परमात्मा देखना चाहिए, ये समाज कोई कितने दिन तक, जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए, जिन्होंने सब काम किया। इसलिए आज इस श्लोक के ऊपर मैंने विस्तार के साथ चर्चा इसलिए की कि हरेक व्यक्ति, मैंने स्वर्ग की बातें छोड़ दी इसमें से, लेकिन आप अपने जीवन में स्वयं को हरेक क्षण को स्वर्ग बनाओ, हैप्पी रहो, प्रसन्नता के साथ रहो, यही आपके जीवन का स्वर्ग है। और अपने जीवन में दुख प्राप्त करना यही जीवन का नरक बताया है। अपने जीवन में शांति के साथ जिए, इतना ही कहते हैं आज के श्लोक के ऊपर इतने विचारों के साथ, और सभी को अपने वाणी को विश्राम देता हूं। कृष्ण कन्हैया।